मैं भारत हूं, मैं सदियों से इंतजार में था कि कब मैं बनूंगा आयुष्मान भारत। मोदी सरकार ने लक्ष्य लिया और जन्म हुआ आयुष्मान भारत पीएम जय का। साल हुआ है एक, हुए आयुष्मान अनेक। जानते हैं कैसे हुआ काम ये नेक। गांधी जी के सपने को देनी थी उड़ान, दीन दयाल जी के भी थे ऐसे ही अरमान। सदियों पुराने सपनों में फूंकने को प्राण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा दी मेहनत जी जान। भारत को तब मिला स्वास्थ्य का वरदान, हर भारतीय आयुष्मान लिया था ठान। पर राह नहीं थी इतनी आसान, राज्य और जिला स्तर पर संस्थाओं का रखा गया प्रावधान। तकनीकी का किया इस्तेमाल, जिससे हटा कागजी कार्रवाई का जंजाल। लाभार्थियों की कर पहचान, अस्पतालों का किया जुड़ना आसान। अस्पतालों में भर्ती से लेकर अस्पतालों का सुनिश्चित भुगतान। बस हुए महीने 5 और हुई थी तैयारी खूब। गाइडलाइंस और कॉल सेंटर का तय हुआ प्रारूप। 15 अगस्त 18 लाल किले से हुआ शंखनाद। 33 राज्य आए साथ, ऐसा था आगाज। 23 सितंबर 18 शुरू हुआ अभियान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। हमारे इस पुराने सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। करिश्मा के जीवन में बन के आया वरदान, ये बेटी बनी पहली आयुष्मान। दिन बदले जनमानुष के, आरोग्य का वरदान मिला। मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने आई हूँ, उसको बॉर्न टीबी हुआ है। मेरे सीने में दर्द हुआ था जी, मेरे घर वाला मरा उस दिन। पानी जा रहा था और वो तार हट गया, उनके लगाने लग गए, फेंक दे। मेरे बेबी छे, 9 महीना पहले हमने खबर पड़ी कि हमारा हस्बैंड ने ओरल कैंसर छे। और मेरे पास ये मान लो मेरे पास रुपए बिल्कुल नहीं थे। बाप भी गया जी, मैं भी चली जाती, क्या रहता जी। प्राइवेट से दिखा दी, बोला 8 लाख रुपया लग जाएगा सर्जरी कराने के लिए। ऐसा लग रहा था कि अगर होते तो कोई तकलीफ ना होती। वो मुश्किल वो इसी वस्तु कार्ड न हो तो हमारे पास इतनी ओली हती नहीं, कैपेसिटी नहीं होती कि हमें। मोदी के वजह तभी जी बैठी मैं अपने बच्चे में। वो तो आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आप तो हंसता भी है, खाता भी है, खेलता भी है। एक वर्ष ये आयुष्मान का, ये तो बस शुरुआत है। स्वस्थ भारत से सशक्त भारत, मन में ये विश्वास है। भारत के मन में विश्वास है, जन मन में विश्वास है। साल 1 आयुष्मान अनेक।